अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया है। मैं हाफिज़ बाबा नगर में रहती हूँ, नियर मक्कामा मस्जिद। ये जो है बिस्मिल्ला होटल के करीब में है, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा नाले का, ये लोग क्या किए हैं बोलने से, डेढ़ महीने से कंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम चल रहा। ऊपर से जो नाला, ऊपर से मोहरियों का भी पानी है, ये महल्ले में गली में पूरा जा रहा। ना इधर से जा सकते हम लोग वे, ना तो इधर से जा सकते हम लोग। और मैं अगर कंप्लेंट करी तो वो लोग क्या बोल रहे, वाटर पाइप्स पूरे कट हो गए, 8 डेज से पानी नहीं आ रहा। अब हम जाके कंप्लेंट करें, किसी को करना बोले तो मुश्किल है, कोई रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। वो क्या बोल रहे, कोई कुछ बहुत बता रहे। तो फिर मैं यहाँ लेडी काउंसलर है, जो ये एरिया के जो है लेडी काउंसलर है, लेकिन उन्होंने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे। उनके हस्बैंड शाह बोल के हैं, उन्होंने आ रहे जा रहे बताने में आज तक नहीं दिखी मैं उनको, हमारी गली के हद तक। एवरी टाइम हम लोग के पास में ये नाले बहते रहते, कभी आके कोई आके करता नहीं। हम लोग कंप्लेंट करें भी तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं देता। अगर हम कुछ बोलने भी जाओ तो वो लोग कोई ठीक से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी कल मैं पूरा 1:30 बजे तक उन लोगों के साथ में बहस करी, तो आप मीडिया में डालो, चाहे कहीं भी डालो, कुछ भी करो, हम उनसे किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। मैं असदुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा उन लोगों को कॉपरेट करिए, बोलिए उन लोगों का बिहेवियर, लड़कियों से हो चाहे वुमेन से हो, बात करने का तरीका सही नहीं है। ये प्रॉब्लम कब से है? ये 1.5 महीने से प्रॉब्लम चल रहा, अब ये 12 दिन से नाला बह रहा। तो आप लोग कितने कब तक गए थे? हम ऑलरेडी यहाँ पे गली के जितने भी लोग कंप्लेंट कर रहे, हर कोई आ रहा जा रहा वहाँ पे कितनी मुश्किल हो रही, आप भी देखे हुए हैं। अभी क्या बोल रहे बोले तो कल करते, परसों करते, ऐसे ही बोल के अब तक 12 दिन हो गए, अभी तक भी कुछ भी नहीं हो रहा। डेली नाला वैसे ही बह रहा, जाने आने के लिए इतनी तकलीफ हो रही। अगर कोई लेडीज बाहर, ओल्ड एज रहे तो बाहर जा ही नहीं सकते, अब छोटे बच्चे है, अब लोग है, निकलना मुश्किल हो जा रहा। आगे के घर में भी फंक्शन था, वो लोग भी बहुत सफ़र करे, वो लोग भी बहुत मुश्किल से लेक जाके फिर इधर उधर फंक्शन हॉलों में बुक करना पड़ा उन लोगों को, एक्स्ट्रा चार्जेस देके बच्चियों की शादियाँ। और एक एक लोगों का भी आज वलीमा है बेचारों के पास, उन्होंने भी उनके बच्चियों का पूरा इंगेजमेंट वो ये सब फंक्शन आलिया गार्डन में कर रहे, कितना डबल खर्चा हो रहा है। इन लोग की तरफ से हम लोग को बहुत मुश्किल हो जा रही। यहाँ के कॉर्पोरेटर लेडी है, लेकिन उनका नाम मेरे को आइडिया नहीं है, उनके हस्बैंड का नाम मेरे को पता है, शाह है बोल के। तो मिले आप उनसे? उन्होंने भी नहीं आते गली में, कोई अनदर पर्सन है मोइन खान बोल के, वो मोबाइल शॉप का कुछ है, उनका शॉप बिजनेस है। वो क्या बोल रहे बोलने से, आप यहाँ के नेशनलिटी है, आपका आधार कार्ड दो, आप कैसा बोल सकते, आप क्या है। मैं बोला आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है तो आप मेरे से बात करिए। क्या नाम है बस्ती का? ये हाफिज़ बाबा नगर है, नियर ये गली बी ब्लॉक में आता है, ये नियर मक्का मस्जिद है। यही गली में प्रॉब्लम है या कि हर जगह नहीं? यही गली का प्रॉब्लम है, ये गली में हमेशा पानी बहते रहता, ये नाले भरते रहते और कोई आके नहीं करते। अगर हम लोग मेल कंप्लेंट करें तो वो लोग क्या बोलते, आप एक ही है क्या मैडम कंप्लेंट करने वाले, पूछते वो लोग। दूसरे लोग कोई कंप्लेंट ही नहीं करते यहाँ पे, खाली ऐसे ही जाते रहते। वो लोग भी करे तो वो लोग को भी यही बोलते, आप लोग एक ही है क्या घर वाले कंप्लेंट करने वाले बोलते। अब मैं असदुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये जो भी प्रॉब्लम है हम लोग का सॉल्व करिए। अगर मैं पाइपलाइन के बारे में बात करी तो वाटर पंप का, वो लोग क्या बोल रहे बोले से, सब लोग हज़ार रुपये डालिए, आप लोगों का पाइप आप कनेक्शन कर लीजिए। ये मोइन खान कौन है? ये पता नहीं कौन है, नहीं मालूम, शाह उनको लगाए शायद काम पे, उन्होंने आके कर रहे वो काम। तो आप लोग क्या बोले, ऐसा बोले तो ऐसा कैसा बोल सकते हैं आप लोग कट करे, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग खुद वो डला के देना पाइप। तो बोले तो नहीं, आप लोग पैसे डाल के कर लीजिए बोल के। मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग करी हुई हूँ, उन लोगों का स्टेटमेंट ली हुई हूँ आपके पास में, इसमें है ऑलरेडी, देखिए मैं चेक कर सकते हैं आप। उन लोगों का बिहेवियर भी ठीक नहीं है, बात करने का वे ऑफ टॉकिंग भी सही नहीं है।